हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज भी मैं अपनी वीडियो में आपको नेस्टेड पीसीआर के बारे में बताऊंगी। ये जो पीसीआर है ये इंक्रीज करता है स्पेसिफिसिटी को, ठीक है, और हम इसको उस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जब हमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करनी होती है पीसीआर की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जब हमें सीडीएनए कॉपी एम्प्लीफाई करनी होती है आरएनए से, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम नेस्टेड पीसीआर यूज़ करते हैं। इसमें दो प्राइमर सेट्स होते हैं। अब एक प्राइमर सेट क्या करता है, ये अनील करता है सीक्वेंस को सेकेंड प्राइमर सेट के अपस्ट्रीम से, ठीक है। मैं आपको फिगर के हेल्प से समझाती हूँ। ये है 5', 3', 3', 5'। ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर है वो ऐसे वर्क करेगा, यहाँ बाहर टारगेट सीक्वेंस से बाहर जो सीक्वेंस है वहाँ बाइंड करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइमर्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट प्राइमर से जो हमें एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट मिला वो ये, ठीक है। ये रहा टारगेट सीक्वेंस, ठीक है। अब जो सेकेंड प्राइमर सेट ऑफ प्राइमर लगेगा वो इसके इंटरनली लगेगा टारगेट सीक्वेंस के, ठीक है। ये सेकेंड, इससे तो हमें फर्स्ट वाले प्राइमर सेट से तो हमें जो एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट मिला उसकी लेंथ तो आई लॉन्गर। अब इससे जो हमें एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट मिलेगा उसकी लेंथ होगी शॉर्टर, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों प्राइमर्स वर्क करते हैं। ये जो हम दो प्राइमर सेट यूज कर रहे हैं ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन मिक्सचर में यूज होते हैं, ठीक है, सेम रिएक्शन मिक्सचर में। और ये प्राइमर्स इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो आउटर सेट है प्राइमर का, ठीक है, वो जो एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट यूज़ करता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है एज़ कंपेरिजन टू द सेकेंड प्राइमर सेट और इंटरनल प्राइमर सेट, ठीक है। अगर सेम टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर दोनों ही प्राइमर्स एम्प्लीफाई करना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए एक का मेल्टिंग टेम्परेचर हायर होता है कंपैरिजन टू सेकेंड वन, ठीक है। एनीलिंग टेम्परेचर ऑफ आउटर प्राइमर पेयर इज हायर देन द इनर प्राइमर पेयर, देयरफॉर जब टेम्परेचर हाई होगा तो ऑब्वियसली जो आउटर पेयर है प्राइमर का वो एम्प्लीफिकेशन करेगा, और फिर जब हम एनीलिंग टेम्परेचर लो कर देंगे तो इनर प्राइमर स्टार्ट कर देगा एम्प्लीफिकेशन। और एक और चीज़ होती है इसमें, जब सेकेंड प्राइमर का नंबर आता है ना उस टाइम पे डीनेचुरेशन टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है
जो हमें यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट मिला पहले प्राइमर की वजह से, वो मेल्ट नहीं होगा और वो एज इट इज़ एज अ टेम्पलेट यूज़ होगा सेकेंड प्राइमर के लिए। क्या है? डीनेचुरेशन टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आउटर प्राइमर्स कैन नॉट मेल्ट एंड यूज एज टेम्पलेट्स फॉर द इनर प्राइमर। ठीक है, कुछ साइकिल्स तो हाई एनिलिंग टेम्परेचर से होती है, कुछ साइकिल्स लो एनिलिंग टेम्परेचर से होती है। देयरफॉर जो मेजर प्रोडक्ट है इस पीसीआर का वो शॉर्टर वाला होता है। ठीक है, जो हमें नेस्टेड पीसीआर में जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मेजर पीसीआर प्रोडक्ट इज ऑफ शॉर्टर सीक्वेंस। प्राइम्ड बाय इनर पेयर ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, तो ये तो था नेस्टेड पीसीआर के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।